जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया। कांग्रेस ने एक ट्वीट में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का एक बयान शेयर किया। साथ ही ट्वीट में लिखा, नरेंद्र मोदी जी, पुलवामा हमला और उसमें 40 जाबाजों की शहादत आपकी सरकार की गलती से हुई। अगर हमारे जवानों को एयरक्राफ्ट मिल जाता तो आतंकी साजिश नाकाम हो जाती। आपको तो इस गलती के लिए एक्शन लेना था और आपने न सिर्फ इस बात को दबाया पर अपनी छवि बचाने में लग गए। पुलवामा पर सत्यपाल मलिक की बात सुनकर देश स्तब्ध है। दरअसल जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। एक इंटरव्यू में उन्होंने सीधे तौर पर पुलवामा में आतंकी हमले के लिए केंद्र सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। सत्यपाल मलिक ने कहा कि फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमले में केंद्रीय गृह मंत्रालय की बड़ी गलती थी। सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय से काफिले को ले जाने के लिए 5 एयरक्राफ्ट की मांग की, लेकिन गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ को एयरक्राफ्ट देने की मंजूरी नहीं दी। सत्यपाल मलिक ने कहा कि अगर एयरक्राफ्ट मिल जाता तो यह हमला नहीं हुआ होता। मलिक ने बताया कि हमले वाली शाम को ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को यह बात बताई थी कि शहीदों की जान हमारी वजह से गई। इस पर प्रधानमंत्री ने उन्हें चुप रहने के लिए कह दिया। बता दें कि मलिक फरवरी 2019 के पुलवामा आतंकी हमले और उसी साल अगस्त में धारा 370 को निरस्त करने के दौरान के राज्यपाल थे। इसके साथ ही सत्यपाल मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री को कश्मीर के बारे में गलत जानकारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।